ओके सो आज का हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देखा था, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके सो आज का जो मेनली टॉपिक है हमारा है, वो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल और डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल को किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोग बहुत सारी चीजें मैन्युअली कॉन्फिगर करते थे, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में नहीं आने वाले। मतलब जितना लोड हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर उठाया था, जिस तरीके से एक एक राउट को लेकर मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ता था, वो सब चीजें हम लोग नहीं करने वाले। सेम है डिफॉल्ट राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग मुकाबले में डिफॉल्ट राउटिंग काफी आसान था, ठीक है? उसमें एक ही कमांड का यूज करना पड़ता था, ठीक है? तो यहाँ तक तो हम लोगों ने स्टैटिक और डिफॉल्ट को समझ लिया, लेकिन अभी हम लोग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में तीन डिफरेंट टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल है। सबसे पहले आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सेकंड आता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड थर्ड वन इज अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जिस प्रोटोकॉल का समावेश होता है वो होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1, दैट इज रीप वर्जन 1, रीप वर्जन 2 एंड आईजीआरपी प्रोटोकॉल, ठीक है? आईजीआरपी ये प्रोटोकॉल अभी मार्केट में कोई भी यूज नहीं करता है, एज वेल एज रीप प्रोटोकॉल वर्जन 1 भी कोई यूज नहीं करता है, लेकिन स्टिल हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF ये प्रोटोकॉल वर्क करता है, एंड ISIS करके प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। गौरव सर, LSRP स्टैंड्स फॉर LSRP लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके उसके बाद आता है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। हाइब्रिड मतलब द मिक्सचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की भी रहेगी और कुछ प्रॉपर्टीज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की। इसको मिला के जो प्रोटोकॉल बनाया है वो है EIGRP प्रोटोकॉल, एनएस इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊंगा, IGRP हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। सी अभी कुछ बुक्स में उन्होंने क्या बोला है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के बदले में उन्होंने बोला है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोथ आर सेम। काफी लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज होते हैं कि उनको पूछते हैं कि चलो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताओ, तो वो लोग इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा है, उसके अंदर ये आता है, लेकिन जब भी वो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता है तो हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि वो बात करता है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल की, ना कि कोई अनदर प्रोटोकॉल की, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि ये प्रोटोकॉल है, ठीक है? ये प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। इसमें डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में क्या डिफरेंस रहता है? हाँ वो आएगा, जैसे कि अभी मैं एक एक करके कवर अप करूंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? ठीक है। मतलब हर एक के प्रॉपर्टीज देखेंगे, लास्ट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉल्ड एज अ रीप। ओके इट्स अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इट मींस कि अगर मेरे पास सिस्को का राउटर है, स्टिल राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्क करेगा। अगर मेरे पास HP का राउटर है, उसके ऊपर भी वर्क करेगा। अगर मेरे पास नॉर्टेल का राउटर है तो इसके ऊपर भी वर्क करेगा। मतलब कोई भी कंपनी हो, ठीक है, इट्स ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। कोई भी कंपनी का डिवाइस हो, कोई भी कंपनी का राउटर हो, रीप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अगर मैं इस प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ तो ये क्लासफुल भी है, क्लासफुल को भी सपोर्ट करता है और क्लासलेस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है? अभी क्लासफुल मीन्स क्या होता है, अगर मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 की बात करता हूँ, RIP वर्जन 1 इज अ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब अगर मैं किसी का /value 8, /value 16, /value 24 या तो /value 32 देखता हूँ, दैट्स मीन्स दिस इज द फुल सबनेट मास्क, ठीक है? अगर मेरा सबनेट मास्क फुल है
तो मैं उसको ही सपोर्ट करूंगा, ऐसा रिपर्जन वन बोलता है, ठीक है। लेकिन रिपर्जन टू क्या बोलता है, रिपर्जन टू बोलता है मैं तो क्लासलेस हूं, मतलब चाहे उसका सबनेट मास्क 8 भी रहे, मतलब स्लैश 8 वैल्यू रहे या तो स्लैश 9 रहे स्लैश 10 रहे, इससे कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। जब भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब अगर हम लोगों को सबनेटिंग पता है तो सबनेटिंग में दो टाइप्स आते हैं, करेक्ट। एक आता है FNSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरा आता है VLSM। तो मतलब क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल ही कैन सपोर्ट द सबनेटिंग, FNSM एंड VLSM दोनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट, जब भी रीप राउटिंग एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। अभी ब्रॉडकास्ट किस तरीके से करता है, तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो आईपी एड्रेस यूज करता है 255.255.255.255, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर ये अपने अपडेट ब्रॉडकास्ट करता है। अपडेट ब्रॉडकास्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास दो राउटर है, राउटर ए और राउटर बी, राउटर ए के पास तीन नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क है और एक 30 का नेटवर्क है। राउटर ए इसको अपना नेटवर्क राउटर बी को पहुंचाना है, तो ये क्या करेगा, इसको एवरी 30 सेकंड, जो कि इसका टाइमर वगैरह है जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एवरी 30 सेकंड में अपने जो भी कुछ अपडेट्स है अपने नेबर वाले राउटर को दे देगा, ठीक है। तो ये नेबर राउटर को अपडेट प्रोवाइड करने के लिए जिस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है वो आईपी एड्रेस है 255.255.255.255, और इस आईपी एड्रेस को हम लोग ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बोलते हैं, ओके। तो फोर्थ नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ द राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज 120, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केस इंटरव्यू केसेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का जो एडी वैल्यू होता है वो होता है 1, ठीक है। सो अगर मेरे पास किसी राउटर के ऊपर दो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, एक साइड में रीप चल रहा है और एक साइड में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है, तो वो किसको कंसिडर करेगा एज अ ट्रस्टवर्दी। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू है 120 और स्टैटिक का एडी वैल्यू है 1, ठीक है। तो जिसका एडी वैल्यू सबसे लोएस्ट रहेगा ये मेरा रहेगा ट्रस्टवर्दी वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना, जिसका एडी वैल्यू सबसे लो वो हमेशा ट्रस्टवर्दी वैल्यू रहेगा। अगर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो मैट्रिक है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मैट्रिक है, जैसे कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसका मैट्रिक है होप काउंट्स, ये होप को समझता है। जैसे कि जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास राउटर 1 है, यहाँ से राउटर 2 को कनेक्ट हो रहा है, राउटर 3 को कनेक्ट हो रहा है और राउटर 3 राउटर 4 को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई पूछता है कि राउटर 1 से अगर मुझे राउटर 4 के पास पहुंचने के लिए कितने राउटर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 1 राउटर क्रॉस, 2nd राउटर और 3rd राउटर, करेक्ट। तो ये जो मेरा 3 काउंट आया दैट इज माई द होप काउंट, तो रीप हमेशा होप काउंट के ऊपर ही वर्क करता है, ठीक है। सो अभी सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, होप काउंट के ऊपर तो वर्क करता है लेकिन ये मैक्सिमम कितने होप काउंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो रीप मैक्सिमम 15 होप काउंट को सपोर्ट करता है, इसका मतलब मेरे पास 16 राउटर आएंगे सीरीज में, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। अभी क्या होता है, कोई मुझे बोलता है कि सीरीज में लाइक मतलब फर्स्ट राउटर, सेकंड राउटर, थर्ड राउटर, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, ओके। जस्ट कंसिडर दिस ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अगर मैं 16 राउटर्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, मतलब एक के पीछे एक कनेक्ट करता हूँ, तो ये मैक्सिमम 15 राउटर को सपोर्ट करेगा, सॉरी मैक्सिमम होप कॉन्स 15 और मैक्सिमम 16 राउटर को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बैक एंड में और एक राउटर यूज करता हूँ, तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो कि ये राउटर है, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मैं मैक्सिमम 15 राउटर तक ही सपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ तक ही जाऊँगा, इसके बाद में कोई भी राउटर रहेगा मैं वहां तक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछा कि मेरे पास 50 राउटर्स है, आप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्क कर सकते हो क्या उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया था, ये
सीरीज में 16 यूज करता है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से यूज करता है, राउटर वन यहाँ पे, राउटर टू यहाँ पे, राउटर थ्री यहाँ पे, राउटर फोर यहाँ पे, और उसने कभी यहाँ पे ऐड कर दिया और एक राउटर, यहाँ पे शायद दो राउटर ऐड कर दिए, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा ट्रैफिक कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ से जाएगा राउटर वन से राउटर टू के पास, राउटर टू से राउटर थ्री के पास, इसके पास से नीचे में, इसके पास से और नीचे में, इस तरीके से मेरा ट्रैफिक जा सकता है, ठीक है। तो 16 में हम लोग मैक्सिमम 16 राउटर यूज कर सकते हैं। इस सीरीज में वी कैन यू वी कैन कनेक्ट 16 राउटर्स, 16 राउटर, ठीक है, पैरेलली और मींस डिफरेंट। अगर सीरीज में 16 है, अगर पैरेलली हम कनेक्ट कनेक्ट करेंगे तो कितने भी हो जाएंगे ना? कितने भी हो सकते हैं, शायद 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट, I mean, router, sorry to interrupt you, router कितने भी हो, लेकिन जब हमारा वो ट्रैक करे, जब वो ट्रैक हम फॉलो करेंगे तो वो मैक्सिमम 16 से ज्यादा हॉपकॉर्न नहीं होना चाहिए ना? Exactly. 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा हॉपकॉर्न नहीं होना चाहिए, मतलब 16 routers नहीं होना चाहिए, जो मुझे मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा उसमें 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए जो भी आए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। उसके बाद राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ही कैन सपोर्ट द लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अभी लोड बैलेंसिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैं राउटर वन की बात करता हूँ, अगर राउटर वन को राउटर थ्री के साथ कम्युनिकेशन करना है, अगर इसके पास इस तरीके का टोपोलॉजी है तो राउटर वन क्या बोलेगा, अगर मुझे R3 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मेरे पास दो राउट्स है, एक है ऊपर वाला राउट मतलब R1, R2 एंड R3 के पास जाने वाला रास्ता, और ये मेरा एक पास एक सेकंड राउट है R1, R4 एंड R3 के पास जाने वाला रूट, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे पास दो राउट है। अभी दो राउट में अगर मैं चेक करता हूँ तो ये कर रहा है लोड बैलेंसिंग, मतलब मेरा ट्रैफिक जाएगा ऊपर से भी और मेरा ट्रैफिक जाएगा नीचे से भी, ठीक है। अगर मेरा इस तरीके का ट्रैफिक जाता है मीन्स ये हो रहा है मेरा लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मतलब अगर मेरे पास एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो डिफरेंट राउट्स है तो इस तरीके से मैं लोड बैलेंस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे हमें और एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, रीप हमेशा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में ओनली 4 पाथ को ही सपोर्ट करता है। अगर किसी के पास 5 पाथ है, लाइक मतलब यहाँ पे मैंने और एक राउटर ले लिया R5, R6 एंड R7, ठीक है, सो R1, R5 को भी कनेक्ट है और यहाँ से जा रहा है R3 को, R1, R6 को भी कनेक्ट है और R6 कनेक्ट हो रहा है R3 को, R1, R7 को कनेक्ट है और जा रहा है R3 को, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ रीप ही कैन सपोर्ट द मैक्सिमम 4 इक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अगर मेरे पास अनदर राउट आते जैसे कि R7 यहाँ पे, सो ही विल नॉट सपोर्ट, मैक्सिमम 4 राउट को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सेम एज स्टैटिक प्रोटोकॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी, हाँ वो लास्ट जो आपने एग्जांपल दिया कि 5 में से आउट ऑफ 5 में 4 पाथ ही सपोर्ट करेगा, करेक्ट, तो वो आपने बोला था कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम हो उस केस में ना? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है, करेक्ट, ठीक है। अगर इन केस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो उस केस में क्या करेंगे, मींस ये जैसे मतलब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफरेंट होने के इसमें? ओके ओके मैं बताता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम लोग डिफरेंट कब आएगा, जब हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल ही चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ईच एंड एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल का एक सिंगल, ठीक, करेक्ट करेक्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो राउटिंग प्रोटोकॉल ही चेंज होगा। अगर मेरे पास राउटिंग प्रोटोकॉल ही चेंज, लाइक रिप के जगह मैंने EIRP कर दिया, तो EIRP के लिए नए वाले फीचर्स लागू हो जाते हैं जो कि रिप के लिए नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल। डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट फीचर एंड डिफरेंट AD वैल्यू, ठीक है, तो करेक्ट, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक दूसरे कंसेप्ट है जिसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल को किस तरीके से मिक्स करते, वो एक रिडिस्ट्रीब्यूशन बाद में आएगा, ठीक है, वो भी आएगा इन फ्यूचर हमारे कोर्स में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही कंसिडर करो कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये हमेशा AD सेम,
करेक्ट, एडी रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का एडी है, 1-2. तो ये हमेशा इक्वल कॉस्ट में, 4 इक्वल कॉस्ट में ही सपोर्ट करेगा. उसके बाद राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये हमेशा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है. अभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज क्यों किया जाता है, इसके पीछे में रीजंस है. ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये हमेशा एवरी 30 सेकंड में पीरियोडिक अपडेट भेजता है. पीरियोडिक अपडेट भेजना मतलब क्या होता है, जस्ट कंसीडर करो यहाँ पे एक नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क, और यहाँ पे और एक नेटवर्क है 20.0.0.0. सो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2, तो ये क्या करेगा, वर्जन 1 वर्जन 2, ये क्या करेगा, एवरी 30 सेकंड में अपने राउटिंग, अपना राउटिंग टेबल उठा के नेबर राउटर को दे देगा. सेम एज नेबर राउटर जितने भी एंट्रीज आई उसको अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करके आफ्टर 30 सेकंड ये अपने नेबर राउटर को भी अपडेट देगा जो कि R3 रहेगा, और जो उसका फर्स्ट राउटर है उसको भी अपडेट देगा. ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एवरी 30 सेकंड में जो भी मेरे पास राउटिंग टेबल है वो सब उठा के मैं अपने नेबर राउटर को दे दूंगा. ठीक है, अगर मेरे पास कुछ राउट डाउन भी होते हैं तो मैं क्या करूंगा, राउटर 1 के ऊपर अपडेट कर दूंगा कि एक राउट डाउन हो गया है, तो वो जो राउट डाउन हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा इस तरीके से नहीं, वो पूरा का पूरा राउटिंग टेबल, इसके बाद जितना भी राउटिंग टेबल है वो सब उठा के नेबर राउटर को दे देगा. ओके, सो ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था. ठीक है, अभी क्या होता था, जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास यहाँ पे और एक राउटर है. ठीक है, टोटल 5 राउटर्स है. जस्ट कंसिडर करो कि इस फर्स्ट राउटर ने R2 के पास अपडेट भेज दिया, इसने ले लिया 30 सेकंड. ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ पे अपडेट भेज दिया, इसने ले लिया 30 सेकंड. राउटर 3 ने राउटर 4 के पास अपडेट भेजा, यहाँ पे 30 सेकंड. राउटर 4 ने राउटर 5 के पास अपडेट भेजा, यहाँ पे 30 सेकंड. तो 30, 30, 30, 90, 120 मीन्स 120 सेकंड ले लिया उसने खाली 4 राउटर को क्रॉस करके अपडेट देने में. ठीक है, सो एक्चुअली ये बहुत बड़ा डिले हो गया. और कैसा होता है कि कंपनीज में या तो प्रोडक्शन लेवल में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वर्क होता है. ठीक है, मतलब वो लोग 5 सेकंड 10 सेकंड के ऊपर वेट नहीं कर सकते. तो इस सिचुएशन में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रीप का यूज होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, अगर मैं बिग लेवल में बात करूंगा, यहाँ पे मैंने 5 राउटर के लिए बात किया तो 120 सेकंड. जस्ट कंसिडर करो कोई बोलता है कि मेरे पास 50 राउटर्स है, तो 50 × 30 इज लाइक वेरी ह्यूज टाइम. ठीक है, तो कंपनी बोलती थी कि हम लोग इतना बड़ा डिले तो डिले का रिस्क ले ही नहीं सकते. ठीक है, तो इसीलिए आज भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर हम लोग देख सकते हैं, अगर उनके पास छोटा रिक्वायरमेंट है 3-4 राउटर या 10 राउटर का, तभी वो रीप का यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी रीप में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो देख के आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा, रीप काफी इजी है कॉन्फिगर करने के लिए. इतना इजी है कि लाइक आप एक या दो कमांड चलाने के बाद रीप कॉन्फिगर हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली, काफी इजी है. ठीक है, सेकंड थिंग, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी. नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो कंफ्यूजन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है. ठीक है, हम लोगों को डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ही एडवर्टाइज करना है, वो किस तरीके से करना है वो प्रैक्टिकली बताऊंगा. अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, इसे वेरी लेस ओवरहेड. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कॉन्फ्यूजन और ज्यादा कुछ सीपीयू यूजेस के ऊपर ज्यादा लाइक ऐसा फोर्सफुली हम लोगों को कॉन्फ्यूजन देके उसका लोड बढ़ाना या तो कुछ ओवरहेड या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना, इस तरीके का कॉन्फ्यूजन नहीं है. सो एडवांटेज ऑफ रीप इज वेरी इजी कॉन्फ्यूजन है, नो कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द लेस ओवरहेड. बट अगर मैं यहाँ पे ले अगर यहाँ पे मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा, ये तो हो गया मेरा गुड साइड. अगर मैं बैड साइड की बात करूंगा, जो कि मेरे डिसएडवांटेजेस है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई. अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूँ, ये यूटिलाइज करेगा वेरी हाई, बिकॉज ये क्या करता है, ईच एंड एवरी 30 सेकंड ये अपने राउटर का पूरा राउटिंग टेबल उठा के नेबर राउटर को दे देता है. ठीक है, जिसके वजह से वो काफी हेवी मात्रा में बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन करता है.
जस्ट कंसिडर करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया मेरे पास एक नेटवर्क था 10 का और 20 का, अगर 1 आवर तक मेरा नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन राउटर 1 क्या करता है एवरी 30 सेकंड में R2 जो कि राउटर 2 है उसको सेम अपडेट देते रहता है, सेम अपडेट देते रहता है, तो राउटर 2 तो बोलेगा यार मेरे पास ऑलरेडी वो अपडेट है, आप मुझे सेम अपडेट क्यों दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये रिप का बिहेवियर है, रिप क्या बोलेगा मेरा तो यही बिहेवियर है कि एवरी 30 सेकंड में मुझे अपडेट देता है, राउटर 2 बोलेगा मेरा भी वही बिहेवियर है, जबकि अननेसेसरी अपडेट दे रहा है, नेटवर्क टोपोलॉजी में चेंजेस भी नहीं है तभी वो एवरी 30 सेकंड अपडेट भेजता है, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस था जो कि बैंडविड्थ को यूटिलाइज करता था बहुत ज्यादा हाई रेटिंग में। उसके बाद रिप हमेशा हॉप काउंट्स में ही वर्क करता है जिसका मैक्सिमम हॉप काउंट है 15। ठीक है, सो अगर कोई बोलता है कि मुझे नेटवर्क में 20 राउटर्स यूज करना है वो भी सीरीज में यूज करना है, तो इस सिचुएशन में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलेगा मैं तो 15 होप पॉइंट को सपोर्ट करता हूँ, मैं बाकी के राउटर को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो इस तरीके से मेरा होप पॉइंट वाला सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं फेल होता है। ठीक है, तो ये भी मेरा डिसएडवांटेजेस हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड पॉइंट इज स्लो कन्वर्जन। स्लो कन्वर्जन मीन्स क्या होता है, अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया कि एवरी 30 सेकंड के बाद अपडेट भेजेगा, जबकि ये 5 सेकंड में होना चाहिए क्योंकि बाकी के जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके मुकाबले में ये काफी स्लो है। ठीक है, अगर मैं EIRP की बात करता हूँ तो EIRP 5 सेकंड में अपडेट भेज देता है। ठीक है, तो 5 सेकंड कहाँ पे और ये 30 सेकंड कहाँ पे, लाइक मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू द अनदर प्रोटोकॉल उसने यहाँ पे कंपेरिजन किया है कि एक स्लो कन्वर्जन प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, होप काउंट्स एंड द स्लो कन्वर्जन, जिसके वजह से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ठीक है, अभी उसके बाद में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल की बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं राउटर को बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मुझे क्या कमांड देना पड़ेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए। सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरे पास 2 राउटर है उसके ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया आईपी एड्रेस, तो मुझे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करने के लिए जिस कमांड लाइन का यूज करना है वो करना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर रिप। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं राउटर रिप करूंगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट कमांड वर्जन 1 एंड वर्जन 2, 2 चीजें पूछा जाएगा। अगर आपको क्लासफुल नेटवर्क है आपके पास तो आप वर्जन 1 यूज कर सकते हैं, अगर क्लासलेस नेटवर्क है आप वर्जन 2 यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास 2 का ही यूज कर सकते हैं क्लासलेस और क्लासफुल को, बिकॉज क्लास वर्जन 2 ये हमेशा सपोर्ट करता है दोनों को भी। ठीक है, सो उसके बाद थर्ड पॉइंट नेटवर्क। नेटवर्क के बाद ये हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ही हमें एडवर्टाइज करना है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है राउटर के ऊपर मैं उसी को एडवर्टाइज करके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन में ही कमांड है और वर्जन डालना हमें कभी भूलना नहीं है। अगर मैं किसी राउटर के ऊपर वर्जन नहीं डालता हूँ लेकिन मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, आज का प्रैक्टिकल हम लोग GNS के ऊपर करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है मेरा जी? ओके, अच्छा कुछ वर्कबुक भी मिलेंगे, लैब वर्कबुक प्रैक्टिकल के लिए और इसके लिए थ्योरेटिकल के लिए? नहीं 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 प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए मैं टोपोलॉजी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं आज का टॉपिक है मेरा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में हम लोग कॉन्फिगर करेंगे, तो मैं लैब का भी नाम वर्जन 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज का टोपोलॉजी बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ और यहाँ पे ना आपको 2-3 चीजें आज नई सीखने को मिलेंगी जो कि GNS में मैं पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि
जीएनएस के अंदर मैं स्विचेस का वगैरह यूज नहीं करता और यूजर पीसी का भी यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब जहां पे स्विचेस और यूजर पीसी का कॉन्फ़िगरेशन करना है वो मेरा काम यहाँ पे बन जाता है। तो उसके मुकाबले में मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है न्यू वाला, तो किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक काम कर लेता, 3 राउटर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से फिर से कनेक्ट S1/1, 21/0। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर के साइड में ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा एक ग्रीन कलर का टैब है। ग्रीन कलर के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे नोट्स ग्रीन कलर में आ जाएंगे और राइट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ABC करके लिखा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इंटरफेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले IP एड्रेसिंग स्कीमा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, IP एड्रेसिंग क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 192.168.1.0/24, ये वाला IP एड्रेस यूज करता हूँ, क्लास फुल नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 192.168.1.2.0/24, ओके। यहाँ पे मैं लुकबैक यूज करूंगा 10.10.10.32, R2 के ऊपर यूज करूंगा 20.20.20.20/32। आज मैं ये भी बताऊंगा कि मैं लुकबैक के थ्रू किस तरीके से रीचेबिलिटी चेक कर सकता हूँ फ्रॉम राउटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन में स्विचेस और जो बिलो में नेटवर्क है उसका यूज नहीं करने वाले। इसके लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल एक क्वेश्चन था, व्हाई वी आर कॉन्फिगरिंग दिस लूपबैक, नेसेसरी है? नो, नेसेसरी नहीं है, बट कैसे होता है कि लाइक अभी अगर मैं प्रोडक्शन या रियल प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो रियल प्रोडक्शन में क्या होता है, हर डिवाइसेस के ऊपर हम लोग लूपबैक क्रिएट करते हैं। बिकॉज अगर मेरे पास फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है, तो फिजिकल इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन शटडाउन मोड में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लुकबैक की बात करता हूँ, लुकबैक कभी भी शटडाउन मोड में नहीं जाता है। अगर मैं किसी लुकबैक को IP एड्रेस देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको R1 के ऊपर लॉग इन करके, ठीक है। सबसे पहले मैं एक लुकबैक क्रिएट करता हूँ, उसको नो शटडाउन कमांड नहीं देता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं करता, अप नहीं करता हूँ। इंटरफेस लुकबैक 0 IP एड्रेस 10.10.10.10 इसका कोई फिजिकल इंटरफेस होता ही नहीं है। अगर आप रियल डिवाइसेस के ऊपर भी देखोगे तो वहां पे भी आपको वर्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली लुकबैक का मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है OSP प्रोसेस में, OSP प्रोटोकॉल के अंदर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जहां तक देखा है BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर लुकबैक इज लाइक अ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अच्छा एक एक चीज था, जैसे इसमें लुकबैक वी आर कॉन्फिगरिंग, तो इससे मतलब जैसे हम लोगों के नॉक में रहता है कि मॉनिटरिंग, तो फ्रॉम देयर वी कैन आल्सो यूज फॉर मॉनिटरिंग पर्पसेस लाइक SNMP पैकेट्स और समथिंग, इज इट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। सी कैसे होता है कि अभी अभी हमारे पास में भी ऐसे कुछ टाइप के सिनेरियोज है। जस्ट कंसीडर करो कि ये जो मेरा मिडल वाला राउटर है, एक एरिया लाइक मुंबई लोकेशन, ओके, अभी मुंबई लोकेशन मेरा कनेक्ट हो रहा है एक अनदर लोकेशन, यहाँ पे अनदर लोकेशन, तो इस इंटरफेस का एक IP एड्रेस है, S1/1 का एक इंटरफेस का IP एड्रेस है। अगर मुझे कोई बोलता है कि एक काम करो अभी दोनों को मॉनिटर करो, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करूंगा लुकबैक, और उसका IP एड्रेस दे दूंगा 20.20.20.20। तो मुझे अगर इसको मॉनिटर करने में आसानी हो रही है तो मैं ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा राउटर को मॉनिटर करता हूँ, ना कि लिंक, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम प्रोडक्शन लेवल पे देखोगे तो मॉनिटरिंग टूल बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिस्को प्राइम, HPMS NMS, PRGT, हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये मोस्टली मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हम लोग लुकबैक का यूज करते हैं, और हम लोग जब SNMP करते हैं, लाइक अगर मैं सिस्को की बात करता हूँ तो SNMP के थ्रू हम लोग कॉन्फिगर कर देते हैं, खाली सिस्को प्राइम में हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, ओके। तो सबसे पहले मैं R1 को कॉन्फिगर करता हूँ S1/0 के पोर्ट के ऊपर, इंटरफेस S1/0, ठीक है।
हाँ और एक चीज यहाँ पे अगर मैं शो वर्जन करके चलाता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। शो वर्जन में आपको पता चलेगा कि सिस्को का कौन सा आईओएस और मॉडल नंबर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वर्जन कौन सा है उस पर्टिकुलर थिंग का, पर्टिकुलर सिस्टम का। सेकंड चीज यहाँ पे ना कुछ चीजें नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन लेवल पे एग्रीगेशन और प्री एग्रीगेशन राउटर होते हैं जो L3 राउटर, डिस्ट्रीब्यूशन राउटर और कोर राउटर के ऊपर जब तुम शो वर्जन चेक करोगे तो तुम्हें वहां पे राउटर का अप टाइम भी दिखेगा, ठीक है। अप टाइम मतलब राउटर कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी तो आ रहा है ना, ये अप टाइम आ रहा है ना, किधर R1 अप टाइम 3 ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करेंगे ये वाला, नहीं, ज्यादा नीचे, हाँ ये रोमन, रोमन के नीचे मोड हाँ ओके ओके करेक्ट करेक्ट ऑर्डर टाइम 3 मिनट्स। यहाँ पे भी आ रहा है, करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है। मैंने इसको नोटिस नहीं किया, अच्छा हो मुझे भी बता दिया, ठीक है। ओके सो कैसा होता है कि यहाँ पे हम लोगों को अप टाइम दिखता है। अभी क्या होता है अगर मैं रियल प्रोडक्शन लेवल के राउटर पे भी देखूंगा तो वहां पे भी हमें अप टाइम यहीं से मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है कि 20 दिन से चालू है, उसके बाद कितना टाइम हुआ है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी ने पूछा कि इंटरव्यूज में कि अगर आपके राउटर के ऊपर का अप टाइम देखना है तो आप क्या कमांड का यूज करोगे, तो सिंपल सा शो कमांड है वर्जन, शो वर्जन, ठीक है। शो वर्जन में बाकी सारी भी चीजें देखते हैं, तो एक बार इसके ऊपर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद शो इन्वेंटरी, जैसे मैं शो इन्वेंटरी करता हूँ, शो इन्वेंटरी आपको उसके चेसिस की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चेसिस मीन्स उसके पार्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर मॉड्यूल्स, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने PA-40 वाला मॉड्यूल यूज किया है, ठीक है। अभी ये मॉड्यूल मैं आपको कहाँ से दिखा सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉन्फिगर में जाऊंगा। कॉन्फिगर जाने के बाद यहाँ पे स्लॉट देख सकते हैं, स्लॉट में सेकंड वाला स्लॉट है PA-40+, तो सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं PA-40+, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा का स्लॉट लगाया, अगर मैं यहाँ पे और दूसरे स्लॉट लगाऊंगा तो मेरा इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकता हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्फिगरेशन की, तो हम लोग कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस S1/0, इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ, नो शटडाउन। सेम कॉन्फिगरेशन करूंगा मैं मिडल वाले राउटर के ऊपर, इंटरफेस S1/0, इंटरफेस S1/1, राउटर वन पे कर रहे हैं हम ओह शिट, मैं राउटर वन पे कर दिया मैं, तो। ओके नो इश्यू, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा हो ये याद दिला, इंटरफेस S1/0, नो आईपी एड्रेस। इस तरीके से हम लोग आईपी एड्रेस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। S1/1 नो आईपी एड्रेस, ठीक है। इंटरफेस L1/0 नो आईपी एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से मैं आईपी एड्रेस रिमूव कर सकता हूँ। इंटरफेस S1/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1, इंटरफेस L1/0 आईपी एड्रेस 10.10.10.10, ओके। अभी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा R2 के ऊपर, राइट क्लिक करके यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन है, ओके। और हर डिवाइस का कंसोल केबल अलग अलग होता है, अगर तुम प्रोडक्शन लेवल पे देखते हो तो हर डिवाइस का कंसोल केबल अलग होता है। लाइक स्विच का जो होता है एक नॉर्मल कंसोल केबल, कुछ यूएसबी कंसोल केबल भी आता है, ठीक है। तो वो सबके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा राउटर कौन सा कंसोल केबल यूज किया जाता है।
ठीक है, अभी सेम है, राउटर 3 के ऊपर कॉन्फिगर कर रहा हूँ, S1/0 यहाँ पे देखो, मैंने गलती से लुपबैक 09 क्रिएट कर दिया था, तो जैसे मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी देखो लुपबैक 9 क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ, वैसे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं रहे तो ही ठीक है। कैसा था कि डिवाइस हार्डनिंग करके एक आता है, अगर हम लोग कंपनी में काम करते तो हमें पता होता है कि डिवाइस हार्डनिंग, हार्डनिंग मीन्स क्या होता है कि डिवाइस के ऊपर जो मेन कॉन्फिगरेशन है वही रोको, जो अननेसेसरी कॉन्फिगरेशन है उसको रिमूव करो। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है, पोर्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है वहां पे, अगर मतलब कोई अनदर अनऑथराइज यूजर उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर अपना लैपटॉप ना कनेक्ट कर ले, अगर कनेक्ट किया तो वो पोर्ट ऑटोमेटिक शटडाउन मोड में जाता है, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द डिवाइस हार्डनिंग। तो डिवाइस हार्डनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या करते हैं, जनरली हम लोग कॉन्फिगर करके तो छोड़ देते राउटर को, लेकिन एक्चुअली अगर प्रोडक्शन में मैं देखूंगा तो ये इंटरफेस मुझे अप नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तो मैंने इतना ही कमांड चलाया है, लेकिन रियल प्रोडक्शन में बहुत सारे कमांड्स लगेंगे जो कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस को सिक्योर करेगी। ठीक है, तो पोर्ट सिक्योरिटी वाला कंसिडर जब हम लोग स्विचिंग सीखेंगे तो उसके अंदर वो सब चीजें आ ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तीनों राउटर को बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगरेशन कर लिया। अभी इस सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूं, तो इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पे यूजर स्विच या तो फिर यूजर पीसी नहीं लिया है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट किया है। तो हम लोग जस्ट कंसीडर कर सकते हैं इसका जो लैंड नेटवर्क है वो 10.10.10.10, R2 का लैंड नेटवर्क है 20, R3 का लैंड नेटवर्क है 30। अभी इसको कॉन्फिगर करना है मुझे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, तो सबसे मतलब एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइज करना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को। सबसे पहले R1 के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं कमांड चलाऊंगा शो आईपी राउट। जैसे मैं शो आईपी राउट करूंगा तो मैं चेक करूंगा मेरे पास कौन से राउट है जो कि कनेक्टेड है। एक ये राउट है 10.10.10 का जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और सेकंड वाला है 192.168.1.0, ये भी मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है। अभी मैं कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करता हूँ, कॉन्फिगरेशन टर्मिनल पहुंच गया मैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड में, राउटर वीप। ओके, वर्जन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 इज अ क्लास पूल एंड वर्जन 2 इज फॉर द क्लासलेस, तो मैं हमेशा वर्जन 2 का ही यूज करता हूँ, तो आप भी वर्जन 2 का ही यूज करना। ओके, यहाँ पे हो गया वर्जन 2। अभी हमेशा जब भी मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चेक करूंगा, जो भी मेरे पास कनेक्टेड राउट से, कनेक्टेड नेटवर्क से, मैं उसी को एडवर्टाइज करूंगा। तो एडवर्टाइज करने का वेरी सिंपल तरीका, नेटवर्क 192.168.1.0 एडवर्टाइज हो गया। सेम अनदर नेटवर्क क्लास ए का है 10.0.0.0। ठीक है, जैसे कमांड डालता हूं, बाय डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो भी है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो ऑटो समरी होता है। ठीक है, एक समराइजेशन करके कंसेप्ट है जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम लोग सीखने वाले। तो यहाँ पे मैं ऑटो समराइजेशन ऑफ कर देता हूं, तो यहाँ पे डालूंगा नो ऑटो समरी, ये कमांड डालना भूलना मत। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा इसी प्रोटोकॉल के अंदर में, आज समराइजेशन के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है शो रनिंग कॉन्फिगरेशन, शो रनिंग कॉन्फिगरेशन में आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फिगरेशन क्या किया है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का। ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो रीप है उसी का कॉन्फिगरेशन देखा, तो मैं कमांड डालूंगा शो रनिंग कॉन्फिगरेशन पाइप सेक्शन रिप। जैसे मैं कमांड डालूंगा तो आपको वही कॉन्फिगरेशन दिखेगा जो कि मैंने रिप नाम से डाला है। ठीक है, तो इसने पर्टिकुलर सेक्शन को रिप को फिल्टर किया। सेम एज मुझे कॉन्फिगर करना है R2 के ऊपर, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0 25.25.25 ये डालने के लिए 2.0 नहीं 1.0 भी आएगा। 1.0 मींस द नेटवर्क व्हिच इज कनेक्टेड
इंटरफेस वन स्लैश वन जीरो करेक्ट, ये इंटरफेस आएगा करेक्ट, ये नेटवर्क आएगा कंप्लीट, और ये एक नेटवर्क आएगा क्योंकि आर टू के ऊपर कॉन्फिगर कर रहा है राइट, दोनों नेटवर्क और एक थर्ड वाला ये नेटवर्क जो कि लैन नेटवर्क है ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तो ये नेटवर्क एडवर्टाइज किया, अभी ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद न्यू नेटवर्क इज 2.0 ओके एंड द थर्ड नेटवर्क इज 20.0.0.0 नो ऑटो समरी। सेम कॉन्फिगरेशन मुझे करना है आर थ्री के लिए, आर थ्री के ऊपर अगर मैं चेक करता हूँ शो आईपी राउट मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा, कनेक्टेड करके चलाऊंगा तो शो आईपी राउट कनेक्टेड तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो कनेक्टेड राउट से 30 का नेटवर्क एक है और 2.0 का नेटवर्क, तो कॉन्फिगर कर देता हूँ राउटर वर्जन 2 नेटवर्क 92.168.2.0 नेटवर्क 30.0.0.0 नो ऑटो समर ओके। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों राउटर्स के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन किया। तो सबसे पहले R1 के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे कमांड लाइन डालूंगा शो आईपी राउट। जैसे मैंने शो आईपी राउट कमांड डाला तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखेगी। हेलो यस हाँ यस किसी का माइक ओपन हो गया क्योंकि बैकेंड में और कुछ आवाज आ रही है। हेलो नो इट्स नॉट फ्रॉम माय साइड ओके वन मिनट हाँ चलो ठीक है अभी कोई नहीं ओके। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं शो आईपी राउट करके कमांड चलाया, शो आईपी राउट में मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड तो दिख रहे लेकिन इसके साथ मुझे कुछ आर नाम से नए राउट्स आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं कोर्स में जाके चेक करता हूँ आर स्टैंड फॉर द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ओके। सो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि शो आईपी राउट रिप ठीक है, तो ये मेरे रिप वाले राउट्स है। तो क्या बोलता है रिप के थ्रू मुझे 20 का नेटवर्क मिल रहा है, रिप के थ्रू मुझे 30 का नेटवर्क मिल रहा है एज वेल एज 192.168.2.0 का भी नेटवर्क मिल रहा है। मतलब जो मेरे राउटिंग टोपोलॉजी में जो नेटवर्क R2 एडवर्टाइज कर रहा है वो R1 के पास आ गया, जो R3 एडवर्टाइज कर रहा है वो R2 के थ्रू R1 के पास आ गया, अल्टीमेटली R1 के पास अभी सभी राउट्स है। तो अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ जो लास्ट वाला नेटवर्क है 30.30.30.30 तो उसको पिंग होता है क्या? ठीक है उसको पिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे किसी ने बोला कि अभी जो आपने इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पिंग किया है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को आपको सेम पिंग करना है बट इस लूपबैक के थ्रू करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? अगर मुझे किसी ने इस तरीके का रिक्वायरमेंट दिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस डालूंगा उसके बाद डालूंगा सोर्स लूपबैक जीरो क्योंकि लूपबैक जीरो का आईपी एड्रेस 10.10.10.10 है। जैसे मैं एंटर करता हूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा करेक्ट इस पर्टिकुलर सोर्स एड्रेस के थ्रू तुमने 30.30.30 को पिंग किया ठीक है। मोस्ट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे लैन नहीं लिया है तो हम लोगों ने इसलिए वर्चुअल आईपी एड्रेस का यूज किया है। इस तरीके के राउटिंग इस तरीके से हम लोग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के ऊपर कॉन्फिगरेशन करते हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत है? नो कुछ पूछना है इसमें? नहीं नहीं इट्स ओके ओके। मुझे एक मिनट का ब्रेक दो ठीक है करते क्या है ओके। हेलो यस ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ऑटो समराइजेशन एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है ठीक है। जैसे कि मैंने R3 के ऊपर ऑलरेडी एक लूपबैक लिया था तो मैं यहाँ पे एक मल्टीपल लूपबैक क्रिएट करूंगा ठीक है। मुझे दिखाना है कि एग्जैक्टली समराइजेशन का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है ठीक है। समराइजेशन में दो टाइप के समराइजेशन आते हैं, एक होता है मैनुअल समराइजेशन एक ऑटो समराइजेशन होता है। सो बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन इट्स वर्क जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ऑटो समराइजेशन वर्क करता है ठीक है। तो अगर मैं ऑटो समराइजेशन कमांड देता हूँ या तो नहीं देता हूँ तो मुझे राउटिंग टेबल में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो मैं उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले R3 के ऊपर मैं न्यू लूपबैक क्रिएट कर देता हूँ तो मैं लूपबैक 1 क्रिएट करूंगा आईपी एड्रेस
13.0.0.1.255.255.255.0/24 का नेटवर्क यूज करता हूँ. लुकबैक टू सेकंड आईपी एड्रेस यूज करूंगा 13.0.1.1/loopback3 13.0.2.1 loopback4 13.0.3.1. ओके तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ओके लुकबैक 1, 2, 3, 4 मैंने क्रिएट किए, सभी जगह मैंने 13 का ही नेटवर्क यूज किया है. तो अभी मुझे क्या करना है, 13 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है R3 के ऊपर. जैसे मैं एडवर्टाइज करूंगा वो R2 और R1 के पास चला जाएगा. जैसे कि मैं R1 का राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो जिसके अंदर मुझे 13 का नेटवर्क नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, 1, 3 उसका नेटवर्क नहीं दिख रहा है. तो जब भी मैं एडवर्टाइज करता हूँ तभी वो नेटवर्क सामने में शो होगा. तो सेम कमांड राउटर रिप. अभी मुझे वर्जन वगैरह देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्जन वगैरह दे चुका हूँ. राउटर रिप नेटवर्क 13.0.0.0, मतलब मैं पूरा नेटवर्क एट द सेम टाइम में एडवर्टाइज कर रहा हूँ. 13.0.0.0 मतलब सभी नेटवर्क आ जाएगा मेरा. ठीक है, ऑलरेडी नो ऑटो समरी भी कमांड चलाया तो मुझे फिर से चलाने की जरूरत नहीं. अगर चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. जैसे मैंने नो ऑटो समरी चलाया तो R1 के ऊपर मैं जाके चेक करता हूँ शो आईपी राउट. तो शो आईपी राउट डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ राउटिंग टेबल में चेंजेस दिखते हैं. तो राउटिंग टेबल में मुझे क्या चेंजेस दिखते हैं, ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक नया 13 का नेटवर्क आ गया है जो कि R3 ने एडवर्टाइज किया है. ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे पास 4 राउट्स आ रहे, लेकिन जबकि मैं R3 के ऊपर चेक करता हूँ तो मैंने एक सिंगल ही कमांड डाला है नेटवर्क 13.0.0.0. मतलब एक सिंगल नेटवर्क डालने से जितने भी इसके अंदर सब इंटरफेसेस है उसको एडवर्टाइज करके R1 के पास भेज दिया है. ओके ब्रैकेट में देख सकते हैं 120 120 120 120 120 इज AD वैल्यू और ये जो स्लैश वैल्यू दिख रहा है दैट इज द मैट्रिक. सो रिप का मैट्रिक है होप काउंट्स. तो ये क्या बोलता है रिप, 13 के नेटवर्क में जाने के लिए AD वैल्यू तो 120 जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल का है. और वो बोल रहा है कि यहाँ पे 2 होप काउंट क्रॉस करके आगे जा रहा है. ठीक है, मतलब R2 और R3 को क्रॉस करके जा रहा है. लेकिन अगर मैं ये नेटवर्क की बात करता हूँ 20.20.20 जो कि R2 का है, तो R1 बोलता है कि मैं एक ही राउट एक ही होप पॉइंट को क्रॉस करके आगे में जा रहा हूँ 20 के नेटवर्क में. ठीक है, तो इस तरीके से ये मैट्रिक वर्क करता है. अभी यहाँ पे एक चीज देखता हूँ, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा राउटिंग टेबल दिख रहा है, इट्स वेरी ह्यूज राउटिंग टेबल. ओके, अगर मैं यहाँ से ऑटो समराइजेशन करता हूँ, मतलब नो ऑटो समरी ये कमांड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर रिप वर्जन 2 ऑटो समरी. जैसे मैं ऑटो समरी करूंगा तो आफ्टर 30 सेकंड के बाद यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, अभी नहीं देखने को मिलेंगे. ठीक है, मैं काम करता हूँ तीनों ऑटो के ऊपर नो ऑटो समरी कर देता हूँ, मतलब ऑटोमेटिक समराइजेशन कर लेगा. सेम एस R1 के ऊपर भी कर देता हूँ राउटर रिप वर्जन 2 ऑटो समरी. ठीक है, यहाँ पे चेक करता हूँ शो आईपी राउट. थोड़ी देर बाद लाइक मतलब 30 सेकंड के बाद हम लोगों को फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि रिप स्लो प्रोटोकॉल तो उसको थोड़ा टाइम लेता है. अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आप राउटिंग टेबल को क्लियर कर सकते, क्लियर आईपी राउट स्टार करके कमांड. जैसे मैं एंटर करूंगा तो राउटिंग टेबल को क्लियर करने का भी काम करता है. Thank you.
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने क्लियर आईपी राउट किया, तो इसके पहले में मेरे पास राउटर R1 के ऊपर जो 13 का नेटवर्क आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 नेटवर्क आ रहे थे, ठीक है, जो कि फुल नेटवर्क थे। लेकिन अभी जब मैं न्यू राउटिंग टेबल देख रहा हूँ तो वो क्या बोल रहा है कि वहां पे एक ही नेटवर्क दिखाएगा, ठीक है, मतलब उसने उस ऊपर के चारों नेटवर्क को मर्ज करके एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। जैसे सिंगल नेटवर्क क्रिएट कर दिया मतलब मेरे राउटिंग टेबल को छोटा कर दिया, और ये मेरा छोटा राउटिंग टेबल इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक समराइजेशन कर दिया। जैसे कि मैंने अगर नो ऑटो समरी कमांड नहीं चलाया रहता तो मुझे राउटिंग टेबल कुछ इस तरीके से ही देखा गया रहता, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑटो समराइजेशन वर्क करता है, ठीक है। तो इस सेशन में समझ में आएंगे एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या करते हैं, किस तरीके से होता है कॉन्फिगरेशन। सर एक क्लियर आईपी राउट ये किस लिए था? ओके, क्लियर आईपी राउट रिफ्रेशिंग द राउटिंग टेबल, रिप्लेसिंग द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग क्लियर आईपी राउट स्टार, ठीक है, ये कमांड है, ये नोट डाउन कर लो, क्लियर आईपी राउट स्टार। ओके सर, ये एक चीज और, आपने कई सारी कमांड्स यूज करी, ओके, तो हम इतना टाइम तो होता नहीं कि नोट डाउन करें, ओके, कई बार मतलब फ्लो में निकला चला जाता सब टाइम, तो कुछ ऐसा मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट कमांड्स इस प्रोटोकॉल किए हैं नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ चार्ट? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास वो मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक ठीक है, जिसके अंदर सभी। गौरव सर, जस्ट वन थिंग, समराइजेशन के लिए एक एग्जैक्ट मतलब क्या वर्डिंग्स रहेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनिंग ऑफ समराइजेशन? समराइजेशन करना, सी दो टाइप के समराइजेशन होता है, एक होता है ऑटो समराइजेशन, एक होता है मैनुअल समराइजेशन। इन ऑटो समराइजेशन जो कि आज हम लोगों ने देखा, ऑटो समराइजेशन में क्या होता है, इफ यू हैव अ बिग नेटवर्क, उस नेटवर्क को ऑटोमेटिकली समराइज करके आपके राउटिंग टेबल को छोटा करना है, आपके राउटिंग टेबल को इजी टू अंडरस्टैंड करना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ऑटो समराइजेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आज का राउटिंग टेबल, ये इसलिए का वेरी ह्यूज राउटिंग टेबल अगर देखते हैं तो कम से कम 10 से 12 लाइन है, ठीक है, और ये एक ही नेटवर्क के अंदर उसके बाद 4 नेटवर्क भी शो करे जो सब नेटवर्क है, ठीक है, तो इससे वेरी ह्यूज राउटिंग टेबल। तो अभी ह्यूज राउटिंग टेबल को मुझे समराइज करके थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा आसान करना है, तो इसलिए मैंने ऑटो समराइजेशन का यूज किया, तो मुझे इस तरीके का नेटवर्क मिला, ठीक है। आपने जो कमांड यूज करी वो ऑटो समराइजेशन की ना, लास्ट टाइम जो उससे पहले नो ऑटो समराइजेशन यूज किया था ना, उसके बाद में मैंने यूज किया था ऑटो समराइजेशन वाला, ठीक है। ऑटो समराइजेशन इज अ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो अगर मैं शो रनिंग कॉन्फिगरेशन पाइप सेक्शन जिप चलाता हूँ तो यहाँ पे वो कमांड भी नहीं दिखेगी, देखो करेक्ट, जैसे मैं R3 के ऊपर जाके मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ शो रनिंग कॉन्फिगरेशन पाइप सेक्शन जिप, तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल पे नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर नो ऑटो समराइजेशन चलाता हूँ तो ये कमांड आपको शो होगी, देखो करेक्ट, ओके ओके। अभी सेकंड आता है मेरे पास मैनुअल ऑटो समराइजेशन, मैनुअल समराइजेशन, ठीक है। मैनुअल समराइजेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि R3 के ऊपर मेरे पास 2 राउट्स है 4 राउट्स है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इन दोनों को ही समराइज करूँ, इन दोनों को नहीं करूँ, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम आवर नेटवर्क, ओके, दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ मैनुअल समराइजेशन, ठीक, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है? उसको कैसे चलाएंगे? उसका भी आएगा, भी उसका भी प्रैक्टिकल है आज तो, okay. मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में मैं तुम्हें बताने वाला डिफॉल्ट राउटिंग इन द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग लेंगे समराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है। सी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं CCNA का रीप तो खत्म हो चुका, ठीक है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ CCNP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। CCNP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में डिफॉल्ट आउट करके एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है पैसिव इंटरफेस, उसके बाद एक कंसेप्ट है ऑथेंटिकेशन वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ओके। तो ये मैं मतलब आपको CCNA टू CCNP लेवल तक कंप्लीट रीच करने वाला हूँ, ओके ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? यस। आगे में करना है कि स्टॉप करना है? तक करना है, चलिए अगर कर सकते हो थोड़ा और, ओके ओके चलेगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट और सब प्रोटोकॉल करेंगे, ये रिपीट करेंगे? नहीं रिपीट करेंगे, रिप कंप्लीट कर देंगे एनपी लेवल का कंप्लीट, अभी अभी नहीं,
टाइम लगेगा बट लाइक मतलब एक दो लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं, मिनिमम तीन लेक्चर है। वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी रिप का ही करेंगे। रिप में है डिफॉल्ट राउटिंग इन रिप, मतलब हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने वाले हैं जो डिफॉल्ट राउटिंग हेल्प ऑफ रिप। ठीक है, अभी मोस्टली मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये हमें प्रोडक्शन लेवल पे चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस चैलेंज को रिलेट करते हुए ये आगे के प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज ही करने का है प्रैक्टिकल, उसको भी टाइम लगेगा 20-25 नहीं, डिफॉल्ट डिफॉल्ट को रहने दो अभी आप, डिफॉल्ट को रहने दो यासिर। डिफॉल्ट या डिफॉल्ट ये जो कॉम्बिनेशन डिफॉल्ट प्लस रिप वाला है ना, ये कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश लैब में। चलेगा चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें होने भी नहीं चाहिए। एनीवे तो यही रोकते हैं फिर आज। चलेगा, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है।